मेरी बेटी को तो अभी 15 ईयर्स कंप्लीट हो गया है। वो 8th क्लास में है, सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ रही है। तो वीकली ट्वाइस ही जा रही है वो क्लास को। और उससे डायगोनाइज करते हुए हमें 4-5 ईयर कंप्लीट हो गया था उसे, जब हम जाने कि उसे ऑटिज्म है। तो हम यहाँ से तो उनका ट्रीटमेंट शुरू किया था, तो हो गया 10 साल हो गया उससे, उसके उनके पास ही उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी मैंने जब आपका एक आयुर्वेदिक का देखा, जो फेसबुक पर मैंने देखा है, सोशल मीडिया में, मैंने सोचा एक बार ट्राई कर लूं। देखा उनमें तो कोई साइड इफेक्ट है वगैरह वगैरह कुछ लिखा ही नहीं। ऐसे देखा, एक दो लेडीज भी बोले हैं उसके बच्चे के बारे में देखा, तो मैंने भी सोचा कि एक बार ट्राई कर लूं। तो मैंने अभी 3 बोतल कंप्लीट कर लिया, 4 बोतल चल रहा है। टाइवान्स देती हूँ दूध में मिलाकर नहाने के बाद, दिन में मॉर्निंग को देखती हूँ तो थोड़ा चेंजिंग आया है, थोड़ा वर्बल हो रहा है, थोड़ा बोल रहा है, कुछ क्वेश्चन कर रहा है, आंसर भी दे रहा है। जो बोलने की बात मैंने बोल रही था, स्पीच स्पीच की डिले था, वो थोड़ा थोड़ा जो पिछले दिन में नहीं बोलती थी जो बात, थोड़ा थोड़ा बात न्यूली ऐड कर रही है। थोड़ी थोड़ी क्वेश्चंस आंसर्स या बातें ऐसे देख, जैसे कि अभी ड्रेस दिखाया, वो पहले ऐसे ड्रेस नहीं दिखाती थी, मेरा घंटा देखो, मेरा वॉच देखो, ऐसे नहीं दिखाती थी, मेरे पास इतने सारे हैं ये सब नहीं बोलती थी। अभी अभी मैं देखती हूँ एक एक दिन में एक एक बात, नई नई बातें बोलती हूँ। मुझे तो कॉन्फिडेंट आया, मुझे तो विश्वास आया ये चीज ठीक है। कोई तो उसका साइड इफेक्ट मैंने नहीं देखा, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है उसका। और एक बात विश्वास भी है, एक बात पर ट्रस्ट करने से तो हमें आजमाएंगे ना, यूज करेंगे उसे, इसीलिए ट्रस्ट करना चाहिए और पेशेंस लेना चाहिए। हम एक बोतल लाए गए, लाए बच्चे को दे दिए, एक हफ्ता हो गया वो बोला नहीं, मेरा बच्चा स्टडी में फोकस नहीं किया, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। हम पेशेंस लेकर वही बात को कंटिन्यू करेंगे, वो भी ट्रेनिंग हो या मेडिसिन हो, जो भी बात हो उसे पेशेंसली कंटिन्यू करेंगे।